जीते, जो जीत का जश्न था, लेकिन जो सरकार है वो नहीं बदल पाई। क्या लग रहा है उसको, किस तरह से विकास कार्य को गति दी जाएगी? देखो, मॉरल ग्राउंड के ऊपर तो सरकार का वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पे 272 नहीं ला पाई। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे 400 पार, ठीक है, वो तो पहले राउंड में फुस हो गया नारा, फिर तो उन्होंने कहा ही नहीं 400 पार, तो 400 पार का नारा उनके लिए उल्टा पड़ गया। तो अब जो है कि मॉरल ग्राउंड के ऊपर बीजेपी, जिस तरह आप देख रहे हो, आप लोग खुद भी दिखा रहे हो, दिखा तो पता है कि नहीं रहे हो या नहीं हो, जिस तरह बैसाखियों के ऊपर टिकी है ये गवर्नमेंट, तो आपको पता है, आप दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो, आप लोग फैसला लेना कि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है वो। तो लेकिन अब जो है, भगवान राम ने इनको सजा दे दिया है। ठीक है, जो भगवान को इन्होंने इलेक्शन की वस्तु बना दिया था, भगवान राम हैं, थे, हैं और रहेंगे। उनको कोई भी पार्टी इस तरह का करेगी, जो अभिमान था कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, राम लाने वाली वस्तु नहीं है, वो हिंदुस्तान के, विश्व के कण कण में मौजूद हैं, थे, हैं और रहेंगे। विकास की गति किस तरह होगी रायबरेली अमेठी की? नहीं, देखिए, जो भी हमारा, क्योंकि राहुल जी का है और मेरा जो प्रयास होगा कि मेरी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली में पड़ती है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना भी हम गवर्नमेंट से विकास के काम ले पाएं, क्योंकि हम सांसद के नाते हमारा अधिकार होता है विकास के कामों में। हम स्टेट्स में भी जाएंगे, स्टेट के भी हम अपनी कोशिश करेंगे कि जो विकास हो पाए, और फिर जहाँ पे हमारे जो अपने निजी रिसोर्सेज होंगे सांसद के नाते।